आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्यों की समीक्षा, निर्वाचन नामावलियों को दुरुस्त किए जाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अवैध मदिरा के निष्कर्षण परिवहन एवं व्यापार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्रवाई के संबंध में बैठक। जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। 3 किलो 950 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 1 बाइक को भी किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई पूर्वांचल के सतत विकास पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक संबंधित बैठक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, अगस्त में पुस्तक का विमोचन कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला महिला चिकित्सालय में भाजपा ने किया कोविड वैक्सीनेशन हेल्प डेस्क का शुभारम्भ। कहा, हेल्प डेस्क से नागरिकों को वैक्सीनेशन कराने में मिलेगी मदद। दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त दुर्गेश चौहान को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में सोमवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,271। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 62 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रधानाचार्य के प्रयास से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में छात्रों को दिया जा रहा है ऑनलाइन लाइव शिक्षा। घर बैठे ही छात्र कर रहे हैं पढ़ाई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के दोबारा क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर नसरुद्दीन अंसारी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का करेंगे काम, 2022 में बनाएंगे भाजपा की सरकार। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को 45 केंद्रों पर 11,642 को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। कोचिंग सेंटरों को खोलने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ ने डीएम को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोचिंग खोलने की दे अनुमति। और 58 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के बाद सोमवार से सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक खुले बाजार। रात्रि 9 बजे से सुबह 7 तक प्रभावी रहेगा नाइट कर्फ्यू। एसपीसीजी ने कहा, कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहे सुरक्षित।